गुड मॉर्निंग क्लास फोर। चलिए हिंदी की बुक हिंदी व्याकरण निकाल लीजिए, पार्ट 14 खोल लीजिए। पार्ट 14 है मुहावरे, तो आज हम मुहावरे पढ़ेंगे, आइडियम्स। मुहावरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइडियम्स। तो आज हम मुहावरे पढ़ेंगे, तो चलिए मैं इसे पढ़ रही हूँ, घर पे आप इसे पढ़िएगा। मुहावरे आप लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा, तो चलिए अब इस क्लास में भी पढ़ते हैं। इन चित्रों को देखिए तथा इन उनके नीचे दिए वाक्यों को पढ़िए। पहले चित्र देखिए और उसके नीचे वाक्य लिखा है वो हमें पढ़ना है। तो पहला चित्र है क, ताजमहल देखकर वरुण हैरान रह गया। ताजमहल देखकर वरुण हैरान रह गया, ये वाक्य है। अब इसे हमें मुहावरे शब्द में बोलना होगा, मुहावरे के वाक्य में बोलना होगा। तो इसे हम कैसे बोलेंगे? ताजमहल देखकर वरुण ने दांतों तले उंगली दबा ली। ताजमहल देखकर वरुण ने दांतों तले उंगली दबा ली। तो जो लिखा हुआ रेड कलर से दांतों तले उंगली दबा ली, ये जो रेड कलर से लिखा हुआ ये मुहावरे शब्द है। का पहले क्या लिखा है? ताजमहल देखकर वरुण हैरान रह गया। तो हैरान रह गया को हम मुहावरे शब्द में कैसे बोलेंगे? ताजमहल देखकर वरुण ने दांतों तले उंगली दबा ली, ये पहला का मुहावरा है। आइए दूसरा चित्र देखते हैं। सांप को देखते ही महिमा घबरा गई। सांप को देखते ही महिमा क्या हुई? घबरा गई। तो इसको मुहावरे शब्द में कैसे बोलेंगे? मुहावरे में कैसे बोलेंगे? सांप को देखते ही महिमा के हाथ पैर फूल गए। घबरा गई का मुहावरा क्या हो गया? हाथ पैर फूल गए। सांप को देखते ही महिमा के हाथ पैर फूल गए, तो ये मुहावरे शब्द है। आइए नीचे ऊपर दिए चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में दोनों वाक्यों का अर्थ एक है, परंतु रंगीन अंश वाले वाक्य पहले के वाक्यों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हो गए हैं, क्योंकि उनमें मुहावरों का प्रयोग किया गया है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा अधिक सुंदर और प्रभावशाली हो जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि ताजमहल देखकर वरुण हैरान रह गया, तो ये तो वाक्य लिखा हुआ है, लेकिन इसको अगर हम मुहावरे शब्द में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? ताजमहल देखकर वरुण ने दांतों तले उंगली दबा ली, तो ये कौन सा शब्द वाक्य आया? मुहावरा वाक्य आया। ऐसे वाक्य जिनका कोई विशेष अर्थ होता है उन्हें मुहावरे कहते हैं। मुहावरे किसे कहते हैं? ऐसे वाक्य जिनका कोई विशेष अर्थ होता है उन्हें मुहावरे कहते हैं। यहाँ कुछ मुहावरे अनेक अर्थ तथा वाक्य प्रयोग दिए गए यहाँ कुछ मुहावरे उनके अर्थ तथा वाक्य प्रयोग दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए तथा समझिए। यहाँ मुहावरे भी लिखे हुए हैं, अर्थ भी लिखा है, उस मुहावरे का अर्थ का वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे वो भी लिखा हुआ। तो चलिए मैं पढ़ रही हूँ, घर पे आप इसे पढ़िएगा। पहला, अकल का दुश्मन। पहला है अकल का दुश्मन का अर्थ क्या होगा? मुहावरा क्या है पहला? अकल का दुश्मन। तो इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मूर्ख। अब इसको हम वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे तो वो लिखते हैं, पंकज को यह बात समझ नहीं आएगी क्योंकि वह अकल का दुश्मन है। पंकज को यह बात समझ नहीं आएगी क्योंकि वह अकल का दुश्मन है। पेट में चूहे कूदना, तो इसका अर्थ क्या होगा? भूख लगना। आप लोग मम्मी पापा को कहते हैं ना, मम्मी पेट भूख लगी है, या तो जब कभी आप ये भी बोलते हैं मम्मी पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो पेट में चूहे कूदना भूख लगना। अब इसका वाक्य तो आप खुद बना सकते हो बच्चों। नेहा स्कूल से आते ही मम्मी से बोली कि जल्दी से खाना दे दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। आप भी मम्मी पापा की बात बोलते हो ना, जब स्कूल से जाते तो अपनी मम्मी की बात बोलते हो ना। चलिए आगे आइए, नंबर 3, अक्ल के घोड़े दौड़ाना।
बहुत सोच विचार करना। पंडित जी ने बहुत अकल के घोड़े दौड़ाए पर इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला। अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना। कविता ने मुझसे 100 रुपये उधार लिए थे, आज जब मैंने मांगे तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। 5वां नंबर, अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि काम न करना। रमेश परीक्षा के दिनों में भी हर समय बाहर खेलता रहता है, लगता है उसकी अकल पर पत्थर पड़ गया है। कान भरना, चुगली करना। जैसे ही प्रीति को अवसर मिला तो उसने मेरे खिलाफ अध्यापिका के कान भरने शुरू कर दिए। आग से ओझल होना, गायब होना। देखते ही देखते चोर पुलिस की आँखों से ओझल हो गया। आँखों का तारा बहुत प्यारा। आँखों का तारा होने का अर्थ क्या होगा? बहुत प्यारा। शुभम अपने माता पिता की आँखों का तारा है। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। मुकेश अपनी आदत से मजबूर है, वह किसी न किसी की आँखों में धूल झोंकता है रहता है। कान पर जू न रेंगना, ध्यान न देना। आस्था को चाहे कितना भी समझा लो परंतु उसके कान पर जू नहीं रेंगती। नमक मिर्च लगाना, अपने ओट से मिलाकर कहना। सोनाली की बातों पर कम विश्वास करना, उसे नमक मिर्च लगाकर कहने की आदत है। नाक में दम करना, परेशान करना। शरारती बच्चों ने अध्यापिका के नाक में दम कर दी है। दाल में काला होना, संदेह करना। जैसे ही हमने नौकर से पूछताछ करनी शुरू की वह भागने लगा, तभी मैंने समझ लिया कि दाल में काला है। पापड़ बेलना, बहुत मेहनत करना। आजकल सरकारी नौकरी पाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। काम तमाम करना, मार डालना। भारतीय सेना ने शत्रु सेना का काम तमाम कर दिया। तो ये मुहावरे शब्द है, मुहावरे वाक्य थे जिसके शब्द हैं और अर्थ, मुहावरे के अर्थ और वाक्य में प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट पेज पे आइए। कान कतरना, चालाक होना। आजकल के बच्चे बड़े लोगों के कान कतरते हैं। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। चिकना घड़ा, कुछ भी असर न होना। राहुल को कितना भी समझा लो वह तो एकदम चिकना घड़ा है। हाथ बटाना, मदद करना। अंकिता सैदव अपनी माँ के काम में हाथ बटाती हैं। पानी पानी होना, शर्मिंदा होना। प्रियंका की जब चोरी पकड़ी गई तो वह पानी पानी हो गई। अंग ढंग ढीला होना, बहुत अधिक थकान। दिन भर काम करते रहने के कारण मेरा अंग ढीला हो गया। आकाश पताल एक करना, बहुत कोशिश करना। कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए ईशा ने आकाश पताल एक कर दिए। कमर कसना, तैयार होना। वार्षिक परीक्षा के लिए सभी विद्यार्थियों ने कमर कस ली है। बाग बाग होना, बहुत खुश होना। जब मैंने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया तो मेरे माता पिता का दिल बाग बाग हो गया। आपे से बाहर होना, बहुत क्रोधित होना। अपने पुत्र को चोरी के आरोप में पकड़े जाने पर पिता आपे से बाहर हो गए। घुटने टेकना, हार मानना। भारतीय सेना के सामने शत्रु सेना ने घुटने टेक दिए। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अरे अमित, तुम तो ईद के चांद हो गए हो, इतने दिन कहाँ से कहाँ थे। पीठ दिखाना,
हार मानकर भाग जाना। वीर पुरुष मैदान में कभी पीठ नहीं दिखाते। नेक्स्ट पेज पे आइए। भीगी बिल्ली बनना, बहुत डर जाना। प्रधानाचार्य जी के कक्षा में आते ही सभी बच्चे भीगी बिल्ली बन गए। फूला न समाना, बहुत खुश होना। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अभिनव फूला न समाया। कुछ अन्य मुहावरे और उनके अर्थ दिए हैं। कान काटना, इज्जत कम होना, नाक ऊँची होना, इज्जत बढ़ना, घोड़े बेचकर सोना, निश्चित होना, आकाश के तारे तोड़ना, असंभव को संभव करना, चंपत हो जाना, भाग जाना, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना, किस्मत चमकाना, भाग्य खुलना, रंग उड़ जाना, घबरा जाना, हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना, मुंह की खाना, बुरी तरह हारना। अब तक हमने सीखा वाक्य का वह अंश जो विशेष अर्थ प्रदान करता है मुहावरा कहलाता है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा सुंदर और प्रभावशाली हो जाती है। तो ये मुहावरे थे 30 मुहावरे मैंने आपको पढ़ाया है, उसके अर्थ और वाक्य बताया है। तो इस तरह से आप अपने बुक में इसे पढ़िएगा, मुहावरे को लर्न कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।